कुंभ राशि, पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी आपकी कानों पर पड़ी है। समय बहुत ही कम है, अभी देख लो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। कुछ ऐसी बातें आज की वीडियो में आपके संग शेयर करने वाले हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है। कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारी खुशखबरी आपके सामने आती हैं लेकिन उसका आस्वाद आप नहीं ले पाते, तो इस तरह की खुशखबरियां आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आप उसका आस्वाद भी ले सकते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों, थोड़ा विश्राम करें और काम के बीच बीच में जितना हो सके उतना आराम करते रहें, क्योंकि लगातार काम करने से आपका दिमाग जो कि गर्म हो जाएगा और क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आएगा। यह बात भली भांति समझ ले कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा, इसलिए अपने धन का संचय करने का विचार बनाएगा। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छी मौके साबित होंगी। आपके दिल की धड़कनें आपके प्रिय के साथ कुछ ऐसी चलेगी कि जीवन में प्यार का संगीत बज उठेगा। दोस्तों, किसी लघु या मध्यावधि पाठ्यक्रम में दाखिल लेकर अपनी तकनीकी क्षमताओं में निखार लाएगा। टीवी मोबाइल का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक इनका उपयोग आपके जरूरी समय को खराब कर सकता है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो चीजें आपके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें, शराब पीने से बचे, नशीले जो भी पदार्थ है उनसे आप बचेगा। सट्टेबाजी से फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो सट्टेबाजी से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, इसलिए सट्टेबाजी से आप दूर रहेगा। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों ना किया हो। गलत फहमी या कोई गलत संदेश आपका गर्मजोशी भरा दिन ठंडा कर सकते हैं। व्यवसाय में किसी धोखेबाजी से बचने के लिए अपने आंख कान खुले रखेगा। दोस्तों, आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुरा कर दरकिनारा कर सकते हैं या फिर उनमें फंस कर परेशान हो सकते हैं, चुनाव आपको करना है। खुद तनावग्रस्त होने की झंझलाहट आप बेवजह अपने जीवन साथी पर निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। कार्य में मिली सफलता आपको यात्रा का मौका दे सकती है। पिता जैसे कोई व्यक्ति, बॉस या अन्य आपको यात्रा में कंपनी देंगे। कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नई संभावनाओं का भी मजा लीजिएगा। आपके विश्वासों को चुनौती दी जा सकती है और सुधारा भी जा सकता है। आप सभी नए अवसरों को पाने के लिए तैयार रहेंगे। आपका साफ दृष्टिकोण, मेहनत और ऊर्जा के साथ मिलकर जीवन को नया मतलब प्रदान करेंगे। दोस्तों, नए और बड़े लक्ष्य पाने के लिए आत्मविश्वास से मेहनत करना सीखिएगा। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। प्रॉब्लम चाहे जितनी भी हो, परेशानी चाहे जितनी भी हो, आप अपने चेहरे पर बिल्कुल भी परेशान है ऐसे करके दिखाएगा मत, क्योंकि ऐसा करेंगे तो जो आपके दुश्मन है वो आपकी इस कमी के, इस परेशानी से गलत फायदा उठाकर आपको और परेशानी में डालने की कोशिश करेंगे। चाहे परेशानी जितनी भी हो, प्रॉब्लम कितनी भी हो, चेहरे पर मुस्कुराते हुए आप रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह की खुशखबरी आपके कानों पर पड़ सकती है, विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, जिन लोगों की शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद भी बच्चे की कोई खुशखबरी नहीं है, कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनको आने वाले कुछ ही दिनों में अच्छी खासी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन अपने जीवन साथी का साथ नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को भी आने वाले कुछ ही दिनों में अपने जीवन साथी से अच्छा खासा जो कि सहयोग आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो लोग वाहन चलाते हुए कोई ट्रैवल्स का कोई काम करते हैं या फिर खुद का कोई ट्रैवल्स है, उनको भी अच्छी खासी खुशखबरी इन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका हल अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपके लिए करियर में परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ खुद के लिए समय निकालना ना भूलें। आपकी सफलता और समृद्धि में आपके मालिक या अधिकारी भी सहयोगी है। अच्छे भाग्य और समय का आनंद लें। कड़ी मेहनत और बेहतर धारणा दोनों आपके काम व पेशे को नया अर्थ देने में मदद करते हैं। दोस्तों आपके सितारे बता रहे हैं कि आपको उन्नति या अन्य कई मौके मिल सकते हैं। आप नए ग्राहकों या फिर कारोबार की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने रास्ते में आने वाले सभी मौकों का मजा लें और तरक्की हासिल करते रहें। करियर राशिफल की बात करें तो आप चुस्त, विश्वसनीय, दृढ़ और सक्रिय हैं। ये गुण आपको किसी भी साक्षात्कार में आगे रखने में मदद करते हैं। आप अगर किसी भी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। सफेद रंग शुभ है और अपने कपड़ों के कुछ हिस्से में यह रंग पहनेगा। वित्तीय मामलों औसत रहेंगे। आप संपत्ति खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। लव राशिफल की बात करें तो आपका उत्साह चरम सीमा पर है, जहां आप अपने पति या फिर पत्नी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। प्रेम संबंधों में मिठास भरने के लिए विदेश या लंबी दूरी की यात्रा का प्लान बना सकते हैं। शिक्षक या साथी के भाई बहन हमेशा आपका मार्गदर्शन और मदद करेंगे। आपकी स्पष्ट कल्पना, मेहनत और ऊर्जा के साथ मिलकर आपकी परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। रोमांटिक संबंधों में नई उत्तेजना और अवसरों का योग है। आप अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ कुछ यादगार पल बिता सकते हैं। अगर रिश्ते में कोई खटास है तो अपने रिश्ते में जबरदस्ती की जगह है, इसे कुछ समय दीजिए। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अपने दिन की शुरुआत या अंत एक अच्छी धीमी सैर के साथ करेगा, इससे आपको राहत भी मिलेगी और सकारात्मकता भी। अपने किसी करीबी को साथ चलने को कहें। दिन में आप पर थकावट हावी हो सकती है, तनाव ना ले। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कैफीन वाले पेय पदार्थ की बजाय ताजा जूस पीजिएगा, जिससे कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महत सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना ही तो लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करेगा। आप चाहे तो ट्रेंडिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी, जिससे आप आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।